तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं करेला, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत बढ़िया बनता है। करेले की सीजन है तो मार्केट में बहुत सारे करेले आ रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले करेले को छील लेंगे, ऐसे छीलना है। ये मैंने छील के रखा है, छील के दो भागों में हम कर लेंगे इस तरह से, और इसके अंदर का जो बीज है ऐसे निकाल लेंगे छुरी की मदद से, आराम से निकल जाता है। इस करेले की रेसिपी में बीज नहीं डाला जाता है, चने की दाल के साथ बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से निकाल लेंगे, इसको काट लेंगे ऐसे गोल गोल, ये देखिए। तो चलिए करेले को काट लेते हैं। तो करेले को मैंने इस तरह से देखिए काट लिया है, नमक मिला के इसे रख देंगे 20 मिनट के लिए। तो ये पानी अपने आप छोड़ देगा करेला, तो ये कड़वा नहीं लगता है। 150 ग्राम चने की दाल लिया है मैंने, इसे अच्छे से धो करके भिगो देंगे 20 मिनट के लिए। आधा केजी प्याज लिया है मैंने, इसे काट लेंगे। तो जब तक प्याज काटेंगे और तैयारी करेंगे तब तक हमारा करेला और चने की दाल भीग जाएगा। तो चलिए प्याज काट के फिर वापस आते हैं। तो करेले ने देखिए पानी छोड़ दिया है, इतना पानी निकला है। अब इसे धो लेंगे खूब बढ़िया से, धो के मैंने भगोने में डाल दिया है। ये देखिए सॉफ्ट हो गया है, तो इसे उबलने के लिए रख देंगे करेले को। 300 ग्राम करेला है ये, 300 ग्राम में आधा केजी प्याज डाले जाते हैं, और जितना 300 ग्राम करेला तो 150 ग्राम चने की दाल लेंगे उसके आधा। तो इसे उबलने देते हैं, चने की दाल भी हमारा भीग चुका है, तो इसमें से पानी निकाल देंगे। कुकर में डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा पानी डालेंगे। पानी थोड़ा ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, वो सब्जी में फिर काम आ जाता है। चने की दाल में तेज आंच पे एक एक प्रेशर देंगे, और फिर गैस को बिल्कुल लो कर देंगे, और दो सीटी लगा के और चने की दाल को उतार देंगे। अब ढक्कन लगा देते हैं, करेला हमारा उबल चुका है, ये देखिए। अब इसे उतार लेंगे और ठंडे पानी से अच्छे से धो लेंगे। करेले को अच्छे से मैंने धो लिया है, अब इसे निचोड़ लेंगे पानी से। तो ये देखिए निचोड़ लिया है मैंने, चने की दाल को देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से बस गला हुआ होना चाहिए। तो चने की दाल भी हो गया है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस जला के मैंने कढ़ाई रख दिया है, अब दो चाय की चम्मच मैंने सौंफ लिया है, इसे भून लेंगे। हल्का सा रोस्ट करना है कि आसानी से पिस जाए। सौंफ हमारा रोस्ट हो चुका है, इसे निकाल लेंगे, सौंफ को पीस लेंगे बारीक। तो सौंफ को मैंने पीस लिया है, इसे साइड में रख देते हैं। गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दिया है, अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल। करेले में थोड़ा ज्यादा ही तेल जाता है, तो ये दो बड़े चम्मच लिया है मैंने तेल सरसों का। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब करेले को इसमें फ्राई कर लेंगे। करेले को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए करेला हमारा ब्राउन होने वाला है। गैस को मैंने हाई करके तब करेले को मैंने तला है, अब इसे निकाल लेंगे। तो करेला देखिए मैंने सारा निकाल लिया है, अब इसी तेल में प्याज डाल देंगे। प्याज भी हमें ब्राउन करना है, प्याज ब्राउन हो जाता है तो फिर वापस आते हैं। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, ये देखिए प्याज भी मैंने हाई फ्लेम पे ब्राउन किया है। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का
चाय की एक चम्मच शेष मिला देंगे प्याज में। सौंफ जो हमने पीस के रखा था डाल देंगे। एक चाय की चम्मच धनिया पाउडर, एक चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, चौथाई चम्मच जीरा पाउडर। काली मिर्च और जीरा जरूर डालें क्योंकि हमने चने की दाल के साथ बना रहे हैं तो हमें मसाले ये डालना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा पानी डालेंगे, मसालों को खूब अच्छे से भून लेंगे। चाय की आधी चम्मच हल्दी पाउडर, पानी डाल डाल के मसालों को भून लेंगे खूब बढ़िया से। 2 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए, बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है मसालों में से। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा पानी ऐसे डाल के और फिर भूनना है मसालों को। मसाला खूब बढ़िया से भून चुका है, 7-8 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए। ये देखिए तेल अलग हो गया है। अब इसमें करेला डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था, मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। चना दाल जो बॉयल करके हमने रखा था, थोड़ा पानी भी है तो इसके साथ ही पानी के साथ ही डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर देंगे। आपने करेले की रेसिपी कहीं नहीं देखा होगा ऐसा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत बढ़िया लगता है ये। अगर आपको भी करेला अगर पसंद नहीं होगा तो एक बार जरूर ऐसे बना के ट्राई करें, जरूर पसंद आएगा आपको। एक बार अगर आपने बना लिया करेले को तो सच में मैं कह रही हूँ कि आपको इस रेसिपी से मोहब्बत हो जाएगी। मुझे भी करेला पहले पसंद नहीं था लेकिन अब जब भी करेले की सीजन आता है तो मैं जरूर बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है ये ऐसे। तो इसे ढक देते हैं, 3-4 मिनट इसे ऐसे ही पकने देंगे चने की दाल और करेले के साथ। गैस को मीडियम कर देंगे तो 4-5 मिनट के बाद फिर आते हैं। 4-5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, देख लेते हैं। ये देखिए दाल भी गल चुका है, ये देखिए इस तरह से खड़े गला हुआ भी होना चाहिए और मिक्स भी नहीं। अब इसमें आम डालेंगे, ये मैंने एक आम को काट लिया है, इसे छीला नहीं है, बिना छीले ही डालते हैं तो धो के अच्छे से काट लिया है। ये आम डाल देंगे, मिला देंगे आम को, थोड़ा सा पानी, पानी थोड़ा ही डालते हैं, सूखा ही बनता है ये। थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि 4-5 मिनट हमें और पकाना है अमिया के साथ। इसे फिर से ढक देंगे और गैस को हल्का कर देंगे। तो अमिया के साथ 4-5 मिनट पकते हुए हो चुके हैं, देख लेते हैं। अब ये तैयार हो गया, इस तरह से रहता है ये हल्का सा ग्रेवी। अमिया भी गल चुका है, ये देखिए तो ये खाने में करेला बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता। ये रेसिपी बिल्कुल आपको कहीं नहीं मिलेगी ऐसा, करेला और चने दाल की। आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो प्लेटिंग कर लेते हैं, ये देखिए। और इसके साथ ये आम तो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत मजा आता है इसे खाने में। तो दोस्तों करेला और चने दाल की रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं, और अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें मेरी रेसिपी को, बेल आइकन जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो आसानी से आप लोगों को मिल जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।